गाइस वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइट। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं पहली बार आपके सामने हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का मेल आया हुआ था कि मैम आप इतने अच्छे वीडियो डालते हो, इतने अच्छे से बताते हो, फिर भी आपके सब्सक्राइबर कम है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम अपने वीडियो में आप खुद सामने आइए। तो मैंने काफी टाइम तक सोचा, उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। तो बातें काफी सारी हो गई है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, विंटर सीजन चल रहा है और इस सीजन में जो ड्राई स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत रूखी सूखी सी स्किन हो जाती है, चाहे वो कोई भी स्किन टाइप हो, बट ड्राई स्किन वालों को काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर लेकर आई हूँ जिसका रिजल्ट 100% बिल्कुल सही है। तो ये मॉइस्चराइजर है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर, आप देख सकते हो। तो ये जो मॉइस्चराइजर है, ये एक साल तक मैंने इसका यूज किया हुआ था और ये मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने इसका रिव्यू भी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ढेर सारे मॉइस्चराइजर मार्केट में आते रहते हैं, तो मैंने किसी और मॉइस्चराइजर पर मैं स्किप कर गई इसको छोड़कर। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो दूसरे मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन पर, वो मेरी स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो इस विंटर तो काफ़ी ठंड पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने अपने ड्रेसिंग में इस मॉइस्चराइजर को देखा और मैं इसका यूज़ करने लगी। तो एक महीने के बाद मैंने नोटिस किया कि जो मेरा स्किन का जो टेक्सचर है, जो कम्प्लेक्शन है, वो बहुत इम्प्रूव कर गया था और मेरे चेहरे से सारे पिंपल्स बिल्कुल गायब हो गए थे, जबकि मेरी जो स्किन है वो बहुत पिंपल प्रोन स्किन है, बहुत जल्दी मुझे पिंपल हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक पिंपल है, तो वो रिसेंटली हुआ है एक न्यू फेस वॉश को यूज़ करने की वजह से। तो ये जो मॉइस्चराइजर है, ये स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है। जो मेरी स्किन थी वो बिल्कुल प्लम हो गई थी, फिंगर्स ऐसे करने से वो दब। सो फ्रेंड, मैं इसका यूज सुबह शाम कर रही थी और मुझे मेरे स्किन पर काफी चेंजेस दिखी इसको यूज करने के बाद। जो कम्प्लेक्शन था वो तो इम्प्रूव हुआ ही था और साथ में पिंपल्स भी सारे गायब हो गए थे, स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी मेरी स्किन। तो सो फ्रेंड, मैं दोबारा इसकी फैन हो गई, तो मुझे लगा कि ये इससे इतनी अच्छी चीज को अपने सब्सक्राइबर के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सी लाइटर, लाइन लेस, रिप्लेनिश स्किन, आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बॉटनिकल एक्शन, आयुर्वेदा स्किन लाइफ सोर्सेस, विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर इज अ रिफ्रेशिंग लोशन दैट हाइड्रेट्स एंड नरिशेस स्किन, रिड्यूसेस एंड प्रिवेंट्स द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, कीप्स स्किन फ्लॉलेसली फ्रेश, लाइट एंड ब्राइट। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, इवनली ओवर क्लींज्ड फेस एंड नेक मॉर्निंग एंड नाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट अप्लाई आफ्टर सीरम। इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें गेहूं सीड है, कुमारी लीफ बल्ब है, मधु है, बादाम सीड ऑयल है, मूंगफली सीड ऑयल है, कुसुम्बी सीड ऑयल है, मतलब इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो सभी बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट ही है। तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी प्राइस है 199 रुपीज। अगर आप इसे नायका से परचेस करते हो तो आपको ये 150 के करीब पर मिल जाएगा 149 रुपीज में, और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल में आता है, ग्रीन कलर की कैप है, आप देख सकते हो, और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी इसको बैग में डाल सकते हो। और इस तरह से ये ओपन होता है और आप छोटी सी होल है, आप देख सकते हो, इसको ऐसे स्क्वीज करके हमें प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है। सो फ्रेंड, इस विंटर में अगर आप कोई गुड मॉइस्चराइजर चाहते हो तो आप इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई कर सकते हो, जो गुड क्वालिटी के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी। और साथ ही से अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है और अपने स्किन पर 1 मिनट तक आपको मसाज करना है इसे लगाने के बाद, और उसके बाद इसे छोड़ देना, बस आम अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका यूज समर में करना चाहते हैं तो ड्राई स्किन वाले बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और अच्छे से मसाज कर देंगे अपनी स्किन पर इसको लेकर, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ना ही यूज करें, क्योंकि समर में ये थोड़ा सा ऑयली ऑयली टाइप का ग्रीसी जैसा हो जाता है फेस पर, जिससे पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने इसको रख दिया था अपने ड्रेसिंग में। और लेकिन विंटर के लिए बहुत ही सही मॉइस्चराइजर है फॉर ऑल स्किन टाइप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्रीमी टाइप का है, नॉट थिक, बट ये रनी भी नहीं है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन से, बहुत ही सूदिंग है, फ्लावरिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, रिफ्रेशिंग। और जब इसे अप्लाई करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन पर। तो ये फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही इजिली ब्लेंड हो रहा है, और 1 मिनट तक आप मसाज करेंगे अपने स्किन पर, ये देखिए बिल्कुल साइन दे रहा है स्किन पर, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और फ्रेंड्स, इसकी जो महक है वो बहुत ही अच्छी है,
और मॉर्निंग नेक्टर का मतलब होता है कि जो फूल वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो फ्रूट बनता है उसी को नेक्टर बोलते हैं। तो उसी से इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। ये पूरा जो है ये बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से ही बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कितना साइन दे रहा है ये। तो ये विंटर के लिए बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है। सो गाइज इस विंटर मैंने जब इसे स्टार्ट किया तो उसके पहले मैंने एक न्यू टोनर को भी यूज करना स्टार्ट किया है। ये है गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। इस विंटर मैंने स्टार्ट किया है इसको यूज करना और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टोनर है, रोज ग्लो टोनर और गुड वाइब्स का। और इसकी जो प्राइस है वो है 175 रुपीज। और जो स्मेल है इसकी वो बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कि पंप के फॉर्म में दिया हुआ है और इस तरह से फेस पर स्प्रे कर देना है। और ये 120 ml की बॉटल है, नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स और ये बहुत ही अच्छा टोनर है फ्रेंड्स और रिफ्रेश कर देता है आपकी स्किन को। सो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही स्काईलाइट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।